हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। इस साल के अंत यानी अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, तो वहीं अगले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप का भी आयोजन होगा, जिसके लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। टीम इंडिया की अगर बात करें तो भारतीय टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप के लिए अपनी कमर कस ली है। टीम इंडिया की बात करें तो 2013 के बाद से भारतीय टीम को ICC इवेंट्स में सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। तो ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय टीम साल 2013 के बाद से अभी तक कोई ICC इवेंट्स नहीं जीत पाई है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसे ठीक करने से भारतीय टीम की किस्मत पलट सकती है? चलिए इस वीडियो में हम आपको भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है उस बारे में बताते हैं, और जानते हैं कि क्या बदलाव करने से भारतीय टीम ICC इवेंट्स में जीत का सूखा खत्म कर सकती है। टीम इंडिया के ICC इवेंट्स में खराब प्रदर्शन के पीछे कई कारण नजर आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर, खासतौर पर नंबर 4 की समस्या भारतीय टीम की सबसे बड़ी परेशानी रही है। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के बाद भारतीय टीम को एक भरोसेमंद नंबर 4 बल्लेबाज नहीं मिल पाया है। हालांकि टीम इंडिया ने इस नंबर के लिए कई खिलाड़ियों को ट्राई जरूर किया है, लेकिन स्थायी रूप से किसी एक खिलाड़ी के साथ भारतीय टीम मैनेजमेंट सेटल नहीं हो पाया। किसकी वजह से हारे वर्ल्ड कप 2019? साल 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को मिली हार के बाद भारतीय टीम को दो वर्ल्ड कप जिता चुके युवराज सिंह ने भी भारत की कमियों पर बात की थी और बताया था कि आखिर में वर्ल्ड कप की दावेदार भारतीय टीम क्यों खिताब जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। युवराज सिंह ने बताया, भारतीय टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग की वजह से हम 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। पूर्व भारतीय दिग्गज ने टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की और कहा कि टूर्नामेंट के लिए उनकी योजना पूरी तरह गलत थी। खिताब का प्रबल दावेदार भारत विश्व कप में नंबर 4 पर स्थापित बल्लेबाज के बिना उतरा था, जिससे टीम प्रभावित हुई और विराट कोहली की टीम को सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा। नंबर 4 पर किस पर दांव? युवराज सिंह के मुताबिक भारतीय टीम नंबर 4 की समस्या को सीरियसली नहीं ले रहा। दरअसल भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप से पहले अंबती रायडू को लगभग एक साल तक ट्राई करने के बाद भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया, जो कि बेहद गलत फैसला था। टीम इंडिया ने रायडू की जगह विजय शंकर और ऋषभ पंत, जिनको कि उनसे काफी कम तजुर्बा होने के बावजूद वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया, जो काफी घातक निर्णय साबित हुआ। हालांकि वर्ल्ड कप 2019 को हुए काफी वक्त बीत चुका है। नंबर 4 पर कई खिलाड़ियों को आजमाने के बाद अब टीम इंडिया को नंबर 4 पर एक भरोसेमंद बल्लेबाज मिल चुका है। नाम है सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे ही सही टीम इंडिया के भरोसेमंद नंबर 4 बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सूर्या ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में शानदार शतक लगाया। वो भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज भी बने। अब जब 100 से भी कम दिनों का वक्त T20 वर्ल्ड कप को है और उसके बाद ODI वर्ल्ड कप 2023 में जो कि खेला जाएगा, ऐसे में हम भारतीय ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम अपनी नंबर 4 की परेशानी से पार पाते हुए रोहित शर्मा की कप्तानी में 2007 के बाद पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर ICC इवेंट्स में अपने जीत का सूखा खत्म करेगी।